महापारा नाश्ता बनाओ बेटा। रहमत जी, देखो बेटा कैसी बेसुध पड़ी हुई है। क्या हुआ मेरी शहजादी को? कुछ नहीं हुआ अब्बा। कुछ तो हुआ है ना, कॉलेज गई है ना नाश्ता किया है, जब से ऐसे ही पड़ी है। कुछ नहीं हुआ दादी, कल थक गई थी ना इसलिए उठने का बस दिल नहीं कर रहा था। फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज आप मुझे नाश्ता कराएंगे। कुछ तो है, वरना तुम अभी तक छोटी बेगम की तरफ क्यों नहीं गई? देखा अब्बा आपने, इनको जाती हूँ तो उनको बुरा लगता है, नहीं जाती तो फिक्र होती है। अब मैं क्या करूँ? अब ऐसे मुंह बिसोर के पड़ी रहोगी तो फिक्र तो होगी ना। अच्छा, अगर हाथ में दर्द है तो मैं फजल साहब को मना कर देता हूँ और अपनी शहजादी के साथ घर पे रहता हूँ। अरे नहीं रहमत, तुम जाओ अपने काम पे, फजल साहब का तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है। अम्मा, फजल साहब शायद आज ऑफिस नहीं जाएंगे, कह रहे थे रायत को शॉपिंग करवानी है। दादी जी नाश्ता दे, माइयों की इतनी सारी तैयारी करनी, अम्मी जी की तरफ भी जाना है। शुरू हो गए इसके फिर। चहकती है तो पूरे घर में रौनक हो जाती है, चुप होती है तो पूरा घर चुप हो जाता है। आप भी कपड़े निकाल लीजिए, मगरिब से पहले सोहेल मियां के घर पहुंचना है। मैं भी जरा फजल साहब को फोन कर लूंगा।